तो हाँ भाई लोग, क्या आपका बजट 13,000 से लेकर 14,000 के आसपास है और आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर में अपने लिए कोई सा बेस्ट और परफेक्ट कैमरा फोन बाइक करना या इन फ्यूचर बाइक करने की सोच रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए टॉप और बेस्ट कैमरा फोन पिक किए हैं जिससे आप 14,000 के अंदर में बाइक कर पाओगे। और ये चारों के चारों फोन काफ़ी अच्छे हैं जो अपनी प्राइसिंग पे आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है, जैसे कि आपको 108 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा मिल जाएगा और मल्टीमीडिया लवर्स को सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा और ऑलमोस्ट सारे फोन के अंदर में आपको गेमिंग के लिए पावरफुल 5G प्रोसेसर भी मिलने वाला है और उसके अलावा अदर भी काफी सारे कमाल के अच्छे स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और चौथे नंबर पर तो रियलमी नार्जो 60X 5G और 12-13 हज़ार के अंदर में ये रियलमी का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जिसमें आपको कैमरा तो काफी अच्छा दिया गया है और उसके अलावा प्रीमियम डिजाइन और पावरफुल प्रोसेसर भी दिया गया है। तो हाँ चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और पहले स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ कैमरा भी दिया गया है और इसके सामने की ओर आपको पंच होल में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर भी दी गई है। तो देखो इसका 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा तो किसी काम का नहीं है, बट इसका मेन कैमरा और इसकी सेल्फी काफी अच्छी काम करती है जिससे आप दिन के समय काफी अच्छे पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और ये फोन 33W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके प्रोसेसर पर इसमें आपको MediaTek Dimensity 6100 का 5G चिपसेट दिया गया जो 5G के 9 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 4.5 लाख के नियर इसका एंथुथु स्कोर कर जाता है और ये चिपसेट 16nm पे बेस है और ये प्रोसेसर आपको कैजुअल गेमिंग आराम से करवा देगा और ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 के ऊपर रन करता है जिसमें आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिल जाएगा। और इसके डिस्प्ले पे तो इसमें आपको 6.72 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 240 हर्ट्ज का TSR और 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। आई नो कि इसमें आपको IPS डिस्प्ले दी गई है बट आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले रियली में काफी अच्छा है और ऊपर से इसका डिस्प्ले काफी ब्राइट भी है। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो इसके 4128 का प्राइस 13,000 पड़ता है और यदि आपको 13,000 के अंदर में एक रियलमी का फोन बाय करना है जिसमें आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा काफी अच्छा मिल जाए तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है और आप चाहे तो इस डिवाइस को अमेजोन से बाय कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर पे आता है इन्फिनिक्स नोट 30 5G। तो देखो 14,000 के अंदर में ये इन्फिनिक्स का काफी अच्छा 5G फोन है जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ साथ टॉप नॉच की स्पेसिफिकेशन दी गई है। तो हाँ चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और पहले स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और इसमें सैमसंग HM6 का कैमरा सेंसर लगा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और AI सेंसर भी दिया गया है जो रियली में किसी काम की तो नहीं है। और सामने की ओर आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर भी दी गई है और इसके कैमरा में आपको ब्यूटी मोड, नाइट मोड, HDR, स्लो मोशन, पैनोरामा जैसे अच्छे और यूजफुल कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से 2K 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 6080 का 5G चिपसेट दिया गया जो 5G के 13 बैंड्स को सपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट 4 लैक्स के नियर इसका एंथुथु स्कोर कर जाता है और ये चिपसेट 6nm पे बेस है और आप इसके ऊपर किसी भी गेम को मीडियम सेटिंग के ऊपर आराम से रन कर पाओगे। और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 45W के फास्ट चार्जर को जो इस डिवाइस को 1 आवर के अंदर में फुल चार्ज भी कर देगा। और इसके डिस्प्ले पे तो इसमें आपको 6.78 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 580 निट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है। तो देखो इसके डिस्प्ले का साइज काफी बड़ा है और यदि आपको बिग डिस्प्ले में मल्टीमीडिया वॉच करना काफी ज्यादा पसंद है तो इसका डिस्प्ले आपको काफी पसंद आने वाला है। और बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसके 4128 का प्राइस 14,000 पड़ता है और यदि आपको 14,000 के अंदर में 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा फोन बाय करना है तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। और मेरे से लिस्ट पे सेकंड नंबर पे आता है मोटो G54 5G। तो देखो यदि आपको
14,000 के अंदर में एक ऐसा फोन लेना है जिसमें आपको ठीक ठाक कैमरा के साथ में अच्छा डिजाइन, डिस्प्ले और तगड़ा प्रोसेसर मिल जाए और उसके अलावा टॉप नॉच का यूजर एक्सपीरियंस और 8GB की रैम मिल जाए, तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसके बैक में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है। और फ्रंट फेस कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर भी दी गई है। तो देखो इसका कैमरा ठीक ठाक काम करता है और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जिसके ऊपर आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और इस डिवाइस को तेजी से चार्ज करने के लिए इन द बॉक्स 33W का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 का 5G चिपसेट दिया गया जो 5G के 14 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 4.5 लाख के आसपास इसका एंटूतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 6 NM बेस है और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और आप इसके ऊपर किसी भी गेम लाइक PUBG और COD को मीडियम टू हाई सेटिंग के ऊपर आराम से रन कर पाओगे। और इसके डिस्प्ले पे, तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की FHD+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 240Hz का TSR और 560 nits की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है और पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और इनहेंस करने के लिए इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 8128 का प्राइस 14,000 पड़ता है और इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज का प्राइस 16,000 पड़ता है। यदि आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। तो हाँ, चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पहले नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G और ये सैमसंग का इस साल का पहला फोन है जो 4 मार्च को लॉन्च किया गया है और इसके 4128 का प्राइस 13,000 पड़ता है और इसके 6128 का प्राइस 14,500 पड़ता है। और देखो सैमसंग की एफ सीरीज और एम सीरीज सबसे ज्यादा सेल होने वाली सीरीज है इन ऑनलाइन मार्केट और ये भी फोन काफी अच्छा है जो अपनी प्राइसिंग पे आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। और इसमें आपको कुछ ऐसे भी स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जो जनरली 13,000 वाले स्मार्टफोन के अंदर काफी कम दिया जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और पहले स्टार्ट करते हैं इसके अमेजिंग कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और उसके अलावा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो कैमरा भी दिया गया है। और सामने की ओर आपको यू नॉच पे 13 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर भी दी गई है। तो देखो 13-14 हजार के अंदर में आप इसके कैमरा को वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन बोल सकते हो और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके परफॉर्मेंस वाली पार्ट पे आए, तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के 13 बैंड्स को सपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट 4 लाख के नियर इसका एंटूतु स्कोर कर जाता है और ये चिपसेट 6 NM पे बेस है और 12-13 हजार के प्राइस पॉइंट के हिसाब से जज करें तो ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे रन करता है जिसमें आपको 4 साल का मेजर अपडेट भी मिल जाएगा। और इसके पावर हाउस की बात करें, तो इसमें आपको 6000 mAh की बिग बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फोन 25W के टाइप सी चार्जर को सपोर्ट तो करता है बट बॉक्स में आपको एडाप्टर नहीं दिया गया है, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और इसके डिस्प्ले पे, तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 90Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 800 nits की पीक ब्राइटनेस और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया। तो देखो 13-14 हजार के अंदर में अधिकतर 5G फोन IPS डिस्प्ले के साथ आते हैं बट इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। तो देखो यदि आपको 13-14 हजार के अंदर में एक बेस्ट कैमरा फोन लेना है जिसमें आपको डिस्प्ले भी टॉप नॉच का मिल जाए तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। अब चाहे तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो।